सॉरी फॉर लास्ट लेक्चर में मैंने चैट डिसेबल कर रखा था। एक्चुअली क्या फर्स्ट ईयर में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कुछ समथिंग जैसे आप लोगों ने स्टार्टिंग में किसी ने किया होगा, तो ऐसे ही चैट बॉक्स में कुछ अनएक्टिविटी से स्टार्ट कर देते हैं वो, इसलिए वहाँ पर डिसेबल करना पड़ता है। और सेम चीज़ यहाँ पर रह गई, माइंड में ही नहीं आया, इसलिए मैंने अभी इनेबल कर दिया। ये आपका पैरामेट्रिक आप कन्वर्टर्स कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे और इसी में हमने कंटिन्यू किया था। लास्ट में जो ब्रेक हुआ था वो यहाँ पर ब्रेक हो गया था आपका। द क्वांटिटी एक्स अपॉन वन प्लस अंडर रूट वन प्लस स्क्वायर मे बी रिगार्डेड एज ए गेन डिग्रेडेशन फैक्टर। यहाँ पर हमने आर डी की वैल्यू अप्रोच किया था। आर डी टेंस टू अगर हम 0 पुट करते हैं तो आपके जो मेरिट है, फिगर ऑफ मेरिट है, वो भी क्या हो जाएगी, आपकी मैक्सिमम हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो गेन डिग्रेडेशन फैक्टर बिकम्स यूनिटी एंड द गेन बिकम्स मैक्सिमम। एंड ये आपका नॉइस फिगर रहेगा फॉर पैरामेट्रिक अप कन्वर्टर इज गिवन बाय एफ इज कैपिटल एफ, फिगर ऑफ मेरिट एफ इक्वल टू 1 प्लस 2 टी डी। टी डी इज द डायोड टेम्परेचर इन केल्विन, और टी नॉट इज अ 300 डिग्री केल्विन इज द एम्बियंट टेम्परेचर, एंड टाउ क्यू गामा क्यू इज द फिगर ऑफ मेरिट फॉर नॉन लीनियर कैपेसिटर। बैंडविड्थ फॉर द अप कन्वर्टर इज गिवन बाय 2 गामा अंडर रूट एफ नॉट अपॉन एफ एस। द आउटपुट पावर इज टेकन फ्रॉम, पावर इज टेकन फ्रॉम आर आई मीन्स आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ दी आइडलर जनरेटर एट ए फ्रीक्वेंसी एट ए फ्रीक्वेंसी एफ आई, देन कन्वर्जन गेन फ्रॉम, देन कन्वर्जन गेन फ्रॉम एफ एस टू एफ आई इज गिवन बाय गेन इक्वल टू 4 FI अपॉन एफ एस। आर जी आर आई अपॉन आर टी एस आर टी आई ए अपॉन 1 माइनस। तो हेयर ए एफ एस सिग्नल फ्रीक्वेंसी है, एफ एस सिग्नल फ्रीक्वेंसी, एफ पी पंप फ्रीक्वेंसी, एफ पी
फ्रीक्वेंसी एफ आई इज अ सब फ्रैक्शन मीन्स अगर आप पम्प फ्रीक्वेंसी से सिग्नल फ्रीक्वेंसी सेपरेट कर दें तो ये क्या आ जाएगी आपकी एफ आई आइडलर फ्रीक्वेंसी आइडलर फ्रीक्वेंसी आर जी इज अ आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ सिग्नल जनरेटर आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द सिग्नल जनरेटर आर आई आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ आइडलर जनरेटर एंड आर टी एस टोटल सीरीज रेजिस्टेंस टोटल सीरीज रेजिस्टेंस एट एफ एस एंड आर टी आई द टोटल सीरीज रेजिस्टेंस टोटल सीरीज रेजिस्टेंस एट एफ आई इक्वल टू आर अपॉन आर टी एस आर इक्वल टू गामा स्क्वेयर अपॉन ओमेगा एस ओमेगा आई सी स्क्वेयर आर टी आई इज द इक्विवेलेंट नेगेटिव रेजिस्टेंस इज द Equivalent negative resistance नेक्स्ट इसका रहेगा आपका डाउन कन्वर्टर का नॉइस फिगर तो नॉइस फिगर ऑफ ए नेगेटिव रेजिस्टेंस नॉइस नॉइस फिगर ऑफ ए नेगेटिव रेजिस्टेंस resistance parametric amplifier is expressed by capital F equal to 1 plus TD means ये आपका डायोड टेम्परेचर है अपॉन एम्बियंट टेम्परेचर वन अपॉन गामा फिगर ऑफ मेरिट फॉर नॉन लीनियर एंड वन अपॉन गामा टू स्क्वायर
नेक्स्ट पॉइंट से इसमें मैक्सिमम गेन बैंडविड्थ, मैक्सिमम गेन बैंडविड्थ ऑफ ए नेगेटिव रेजिस्टेंस पैरामेट्रिक एम्पलीफायर, पैरामेट्रिक एम्पलीफायर इज गिवन बाय बैंडविड्थ क्या होगी आपकी गामा बाय टू अंडर रूट एफ आई अपॉन एफ एस के. नेक्स्ट है नॉइज फिगर ऑफ ए सिग्नल, नॉइज फिगर ऑफ ए सिग्नल साइड बैंड एंड डबल साइड बैंड एंड डबल डबल साइड बैंड डी जनरेट जनरेट पैरामेट्रिक एम्पलीफायर, पैरामेट्रिक एम्पलीफायर और गिवन बाय सिंगल साइड बैंड, नॉइज़ फिगर ऑफ सिंगल साइड बैंड इक्वल टू 2 plus 2 diode temperature RD upon ambient temperature and generator resistance and double side vent figure of merit, noise figure, double side vent is RD upon P naught RD. Okay. So, where P dash D is diode temperature, per bar sign as usual, so average diode temperature. Average diode temperature in Kelvin and T naught is 300 degree Kelvin ambient temperature. Ambient temperature RD is a diode resistance, diode series resistance and RG is a external output resistance of generator, external output resistance of generator. Okay. Now, but most important point, it can be seen when I'm dekhen upar analysis current, so it can be seen that noise figure of double side vent nice figure of double side vent is
3 dB less than 3 dB less than that for single side band. For single side band. Okay, so ये last वाला जो point है ये most important रहेगा यहाँ पर, क्योंकि as it is ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में. नॉइस फिगर, टॉपिक है स्टार्टिंग जो इम्पोर्टेंट है, अभी स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर. रेक्टेंगुलर वेवगाइड, रेक्टेंगुलर वेव गाइड, तो जो रेक्टेंगुलर वेव गाइड है वो जनरेट कहाँ से होता है आपका, जो एल इक्वेशन से मैक्सवेल इक्वेशन की अगर हम बात करें वहां से आपका जनरेट होता है. हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन से हम बोल सकते हैं ये इक्वेशन. Means del square E dot equal to gamma square E. यहां से आपको स्टार्ट होता है. ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी है. और ये कहां से जनरेट होता है आपका, ये आपको मैक्सवेल इक्वेशन से, जो फोर मैक्सवेल इक्वेशन है वहां से ये इक्वेशन आपकी जनरेट होती है. मैक्सवेल इक्वेशन से वैल्यूज पुट करके सारी चीजें करके तो आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी. और यहाँ से फिर हम स्टार्ट करेंगे. यहाँ पर ये आपका रेक्टेंगुलर हम इस टाइप से बना लेते हैं. एग्जैक्टली आ रहा है यहाँ पर रेक्टेंगल में. TE and TE mod, TE, TE. इसकी हम बात करें यहाँ पर X is equal to A, यहाँ पर ये आपका ओरिजिन पॉइंट है. इसकी हम बात करें X is equal to 0, Y equal to 0. ये ऊपर आपका वाई है, यहाँ पर वाई इज इक्वल टू बी. और यहीं से एक आपका 3 dB की, 3D की बात करें तो यहाँ पर ये प्रोपोगेशन, वेव ऑफ प्रोपोगेशन, यहाँ पर वेव ऑफ प्रोपोगेशन हो जाएगा यहाँ पर. और TM मॉड्स की अगर हम बात करें तो TM मॉड, यहाँ पर TM मॉड, क्योंकि आपने एनालिसिस जितने भी वीडियोस मैंने आपसे शेयर किया था वहाँ पर आपने देखा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शंस कैसी होती है. और मैग्नेटिक फील्ड्स की अगर हम बात करें तो सरफेस में आपका इस टाइप से आती है आपकी, ये मैग्नेटिक फील्ड्स. ओके, बट इलेक्ट्रिक फील्ड्स की बात करें तो आपकी डायरेक्शन, आपकी ये डायरेक्शन होगी, आपकी इस टाइप से डायरेक्शन.
की बात करें, वेयर गामा, गामा क्या है आपका प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट है, प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट ऑफ ईएम वेव, ईएम वेव एंड ईएच के आपका इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड फ्रॉम बाउंड्री कंडीशंस। तो हम बाउंड्री कंडीशंस की बात करें यहाँ पर, तो ट्रांजेंशियल एंड नॉर्मल की बात करेंगे हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांजेंशियल की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर जीरो एंड मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल क्या होगा जीरो। एच ये साइन एंड कॉस का फॉर्मूला जो होता है ना कि टेंजेंट एंड नॉर्मल, एक पैरेलल है एक परपेंडिकुलर है, ओके तो वहाँ से हम कंसीडर करते हैं। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट कंडक्टर सरफेस एंड एच नॉर्मल क्या हो जाएगा आपका नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट कंडक्टर सरफेस। तो ये आपकी बाउंड्री कंडीशन है, वेयर ई टेंजेंशियल आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट कंडक्टर सरफेस, कंडक्टर सरफेस एंड नॉर्म्स हो जाएगा आपका नॉर्मल कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट कंडक्टर सरफेस। बाउंड्री कंडीशन कर लेते हैं, बाउंड्री बाउंड्री कंडीशन यहाँ पर मेन पॉइंट है आपका वेव गाइड पैरामीटर की हम बात कर रहे हैं, वेव गाइड तो वेव गाइड पैरामीटर्स क्या है आपके, एक तो गामा है प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट से आप बोल रहे हैं, अल्फा है आपका क्या है प्रोपगेशन कॉन्स्टेंट गामा, तो गामा इक्वल टू गामा इक्वल टू यहाँ पर हमने फॉर्मूला फॉर्मूला लिखा है केवल, क्या फॉर्मूला था गामा का एम पाई बाई ए स्क्वायर प्लस एन पाई बाई बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आपका प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट है, वेयर
गामा प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट अलोंग राइट प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट along guide axis guide axis z direction किस direction में z direction m pi by square propagation constant propagation constant along x-axis और n pi by a मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ n pi by b की अगर हम बात करेंगे b ये हो जाएगा आपका propagation constant along y-axis propagation constant along y axis और लास्ट यहाँ पर m and n क्या है आपके integers m and integers कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर एक स्टार बना लीजिएगा यहाँ पर आप इफ गामा इज रियल क्वांटिटी गामा इज ए रियल क्वांटिटी देन वेव विल नॉट प्रोपोगेट टू वेव गाइड rather it attenuates If gamma is an imaginary quantity, then wave will propagate. Okay, two wave guide. Next is में आपका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो वेव गाइड के पैरामीटर्स है फर्स्ट पैरामीटर आपका हो गया प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट एंड सेकेंड पैरामीटर आपका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ सी FC equal to C upon 2 pi under root M pi by E square plus N pi by B square. इसकी यूनिट क्या होगी आपकी हर्ट्ज और ये किसके लिए फॉर फ्री स्पेस फॉर्मूला आपको किसके लिए फ्री स्पेस के लिए अगर कोई मीडियम होगा यहाँ पर
तो यहाँ पर मीडियम से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वन अपॉन अंडर रूट साइलेंट मीन्स यहाँ पर ये जो लाइट वेलोसिटी है वो लाइट वेलोसिटी नहीं रहेगी। ओके तो इसमें भी हमको कुछ जो मीडियम्स है परमिटिविटी एंड परमिटिविटी तो यूज करना पड़ेगा वेयर एम एन नंबर ऑफ हाफ साइकिल नंबर ऑफ number of half cycle completed number of half cycle completed by the wave completed by the wave between the guide between the guide walls or number of maximum between number of maximum between guide walls or number of e-phase completion e-phase completion. Okay. So sometimes जैसे यहाँ पर लिखा हुआ वेयर एन एन नंबर ऑफ हाफ साइकिल कंप्लीटेड बाय द वेव बिटवीन गाइड वॉल्स ओके तो ये तो क्लियर है यहाँ पर नंबर ऑफ हाफ साइकिल कंप्लीटेड बाय द वेव बिटवीन गाइड वॉल्स ओके बट ये जनरल लाइफ में भी हम लोग जब भी हम लर्न करते हैं या रीड करते हैं तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर बट ये मैक्सिमम बिटवीन गाइड वॉल्स और नंबर ऑफ पी फेज कंप्लीशन तो इस टाइप से ये ऑप्शंस क्रिएट हो जाते हैं और एग्जामिनेशन में ये ऑप्शंस आ जाते हैं कि नंबर ऑफ पी फेज कंप्लीशन ओके नेक्स्ट आपका है ए बी वेव गाइड डायमेंशन ए बी क्या आपकी वेव गाइड डायमेंशन डायमेंशन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर वेव गाइड वेयर मीडियम जो डिस्कस कर रहे थे वेयर मीडियम इज परफेक्ट डायलेक्ट्रिक मीडियम इज परफेक्ट डायलेक्ट्रिक है उस कंडीशन में आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी गिवन बाय एफ सी इक्वल टू सी अपॉन टू पाई अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन म्यू आर एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिबिलिटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी अंडरवुड एम पाई बाय ई स्क्वायर प्लस एन पाई बाय बी स्क्वायर ये पैरामीटर्स हो गए किसका वेव गाइड के पैरामीटर्स हो गए सेकेंड पैरामीटर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं इफ If frequency for a particular mode is greater than if frequency for a particular mode is greater than cut off frequency cut off frequency then wave will travel through
टू वेव गाइड, नेक्स्ट पॉइंट है इफ सिग्नल इफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल, पहले क्या था इफ फ्रीक्वेंसी फॉर अ पर्टिकुलर मोड इज ग्रेटर देन द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी देन वेव विल ट्रेवल टू वेवगाइड एंड इफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इक्वल टू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी देन वेव विल ऑसिलेट between the walls of waveguide. थर्ड कंडीशन क्या होगी यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी इज लेस देन, तो अगर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या आपकी लेस देन है किससे, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी is less than cutoff frequency, then wave will not propagate through waveguide. नेक्स्ट पैरामीटर है आपका कट ऑफ वेव नंबर, कट ऑफ वेव नंबर, वेव नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे केसेस. और नेक्स्ट है आपका फेज वेलोसिटी. KC equal to under root m pi by a square plus n pi by b square. ये आपको क्या हो गया कट ऑफ वेव वेव. नेक्स्ट आपका फेस वेलोसिटी आपकी हो जाएगी वीपी इक्वल टू पी अपॉन अंडर रूट वन माइनस एफ सी अपॉन एफ. तो अगर हम फ्री स्पेस की बात करेंगे तो ये आप फेस वेलोसिटी होगी, बट अगर हम किसी मीडियम की बात करेंगे ये फ्री स्पेस के लिए रहेगी, बट अगर हम मीडियम की बात करें मीडियम में यहाँ पर से डिवाइड हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी. ये आपकी फेस वेलोसिटी है वेयर वीपी इज ग्रेटर देन